For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. आइए हम लोगों ने सेटिंग अप बिजनेस एंटिटी इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ में इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ वाले पोर्शन को पढ़ना शुरू किया था। इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ वाले पोर्शन में हम लोगों को बहुत सारे एक्ट इसमें पढ़ने हैं। कुछ हमने पढ़ा और इस समय जिस एक्ट को हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। सबसे पहले इस पूरे के पूरे इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ में जब हम लोग चीजों को पढ़ते हैं तो एक ही पर्पस है और वो पर्पस है इंप्लॉय और इंप्लॉयर के बीच में हार्मोनी बना रहे, इंप्लॉय को उतने पैसे मिले जितने के लायक वो काम करता है। राम दीन, राम खिलावन, बंसी, बिरजू, हरिया, इतने मेहनत से काम किया है तो उसे इतने पैसे तो मिलने चाहिए कि दो वक्त की उनको रोटी मिल सके, समय पे पैसे मिलने चाहिए। ये ना हो कि पता चला पूरे महीने बीत गए और बंदा हर दिन पैसे मांगे जा रहा है और 7 से 8, 8 से 10 और दिन बिताए जा रहे हैं और अगला महीना आने वाला और अभी तक उसे पिछले महीने की तनख्वाह नहीं मिली है। अगर उनके बीच कोई डिस्प्यूट हो तो उस डिस्प्यूट को निपटाने के लिए क्या होना चाहिए, तरीका होना चाहिए। और आज जो हम लोग बात कर रहे हैं ये बात राम दीन, राम खिलावन, बंसी, बिरजू, हरिया की नहीं है, आज बात हम लोग कर रहे हैं राम दुलारी, चमेली और बाकी लोगों की, राम प्यारी की। यानी कि इस समय राम दीन की, राम दुलारी की बात हो रही है, हो सकता है हरिया की भी हो, लेकिन ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ उन इंप्लॉय के लिए है जो फीमेल इंप्लॉय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते। बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये एक्ट जरूर जो है वो फीमेल इंप्लॉय के लिए अप्लीकेबल है, लेकिन आपके एग्जाम में ऐसा नहीं है कि सीएस इंस्टीट्यूट सिर्फ अपने फीमेल कैंडिडेट से ही इस एक्ट से क्वेश्चन पूछेगा। तो इसीलिए जो है बड़े ध्यान से सारे लोग सुनिएगा, जिस तरह से अगर रामदीन काम कर रहा है, राम खिलावन काम कर रहा है, बंसी बिरजू हरिया काम कर रहा है या राम दुलारी भी काम कर रही है, तो मिनिमम वेजेज एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, ग्रेच्युटी, बोनस, ये ऐसे एक्ट है जो दोनों पे अप्लीकेबल है। चाहे काम करने वाला बंदा मेल हो या क्या हो, फीमेल हो, दोनों पे इक्वली अप्लीकेबल है। कुछ एक्ट हैं, एक ये और एक और एक्ट आपको पढ़ाऊंगा, वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, फीमेल एम्प्लॉय के लिए। और इस एक्ट को इंप्लीमेंट कब किया गया वो देखिए जरा, 1961 में, यानी कितने पहले हमें इस एक्ट को इंप्लीमेंट करने की जरूरत पड़ी। मैंने आपको पहले ही कहा है हमें एक्ट को कभी भी बनाने की जरूरत, इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। अगर हम खुद इतने सिविलाइज्ड हैं और खुद इतने डिसिप्लिन्ड हैं, खुद इतने इथिकल हैं कि हम चीजों को खुद से समझ लेते हैं कि किनको किस तरह का बेनिफिट हमें देना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि हमें हंसना बहुत पसंद है, लेकिन हमारे ऊपर कोई हंसे ये हमें पसंद नहीं है, लेकिन हंसना पसंद है। और जब भी हंसते हैं तो कहीं ना कहीं कोई तो होता है जो शिकार बनता है, तो वो शिकार बने और आप क्या होते रहे, हंसते रहे। अगर किसी के साथ कहीं कोई प्रॉब्लम आया है तो आप देखेंगे कि एक बंदा लड़खड़ा रहा है तो दूसरा बंदा हंस रहा है, भाई चोट लगा है इसीलिए वो लड़खड़ा रहा है, वो पैर ऐसे ऐसे कर रहा है, इसमें हंसने वाली कौन सी बात हुई। बंदा सीढ़ी से जो है वो फिसल गया, 2-3 सीढ़ी फिसला, पूरा नहीं फिसला, बच गया। जितने भी दोस्त उसके हैं पकड़ने के अलावा पहले जो है वो गिर, और अगर 3-4 ने नहीं देखा तो आवाज मार रहे, ओए प्रेरणा इधर आ, देख गिर गया, कौन, रोहित, तो बोल रही और कितना गिरेगा। कहने का मतलब ये कि अगर कोई बंदा गिर गया तो क्या करना चाहिए, बुला बुला करके पहले दिखलाना चाहिए। मैं तो बोलता हूं टिकट लगवा लो तब कि देखो एक अजीबोगरीब जानवर आया, उसे हम क्या करने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं। तो एक चीज बताइए, पहले जो है वो उसे देखने के लिए टिकट का इंतजाम करें या पहले गिर गया होगा तो पूछे कि भाई चोट भी लगी है, पूछना चाहिए या नहीं। अनफॉर्चुनेटली ये चीज हम नहीं करते। ठीक वैसे ही हमारे आपके सबके घरों में जब जो है वो किसी भी तरह का, किसी की जो है वो सिस्टर, अगर पता चला कि वो मामा बनने वाला है, वेरी एक्साइटेड, और वो हर केयर करना चाहेगा, लेकिन अगर वही जो है बॉस है और अपने ऑफिस में है तो उसे बात की कोई कदर नहीं है कि उसके किसी फीमेल इंप्लॉय के साथ भी सेम सिचुएशन है। उस समय उसे बाकी किसी और चीज का केयर और कुछ भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन जो है वो उससे जरा पूछ लीजिए कि भाई मामा बनने वाले हो, अगर ये पता चलता है तो जितने जिसकी जितनी कैपेबिलिटी होती है, कभी मुझे भी ये दिन जब पता चला था तो मैं भी अपनी हैसियत के हिसाब से चीजों को भेजना या मम्मा को भेजना या बुला करके ले आना, उसके घर में सारी फैसिलिटी, फिर भी कि नहीं, भांजा हो भांजी हो जिसका भी आना है आए, लेकिन हमारे घर ही सारा चीज हो। क्यों,
क्यों उनके घर के लोग टेक केयर नहीं करेंगे, लेकिन हर किसी को लगता है कि शायद मुझसे ज्यादा नहीं करेंगे। मतलब इस तरह की जंग छिड़ जाती है, क्यों? बिकॉज वी आर वेल ब्लेस्ड, क्योंकि भगवान ने हमें वेल ब्लेस्ड बनाया है। लेकिन जरा सोचिए, अगर राम दुलारी के साथ ऐसा हो रहा है, ये वही राम दुलारी जो किसी तरह से रामबीन जो है वो दो वक्त की रोटी ला पा रहा है, इस केस में उसको जो है राम दुलारी को न्यूट्रियस फूड चाहिए या नहीं चाहिए? अब राम दुलारी ने सोचा था कि सिर्फ रामबीन के कमाई से तो कुछ नहीं होना है, तो वो भी काम करने लगी। वो जब काम करने लगी तो जब तक वो स्वस्थ ठीक है, लेकिन अब अगर वो किसी बच्चे को एक्सपेक्ट कर रही है तो ऐसे केस में उसका फिजिकल कंडीशन ऐसा नहीं है कि वो लगातार जो है वो क्या करते रहे, अंतिम दिन तक काम करते रहे और उसके तुरंत बाद फिर काम पे भी पहुंच जाए। उसे किसी न किसी तरह की रेस्ट की रिक्वायरमेंट है और उसे और भी ज्यादा केयर की रिक्वायरमेंट है। अगर ऐसा है तो भला कौन इंप्लॉयर उसे ये देने वाला है? कोई नहीं। इसी चीज को ध्यान में रख करके एक्ट बनाना पड़ा। अगर इंप्लायर ये खुद दे देता, जैसे मुझे पता चला था मेरे सिस्टर के बारे में तो मैं केयर करने लगा, अगर वैसे ही इंप्लायर अपने किसका केयर करने लगे, अपने एम्प्लॉय का, तो देर इज नो नीड टू मेक दिस काइंड ऑफ एक्ट। लेकिन नहीं, तभी 1961 में ही जाकर के हमें क्या करना पड़ा, ये एक्ट बनाना पड़ा। और इस एक्ट का बड़ा सिंपल सा पर्पस और सिंपल सा पर्पस और सिंपल सा ऑब्जेक्टिव यह है टू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ वुमनहुड, ताकि जो है वो जिन दिनों उनको पैसे की रिक्वायरमेंट है, जिन दिनों वो ज्यादा मेहनत नहीं कर सकती, जिन दिनों उन्हें रेस्ट की जरूरत है, उन दिनों में भी उनके पास पैसे होने चाहिए। और ये पैसे कब होंगे? जब वो जहां काम कर रहे हैं वो उनके सैलरी को किसी भी तरीके से उस बीच में ना रोके, साथ ही साथ उन्हें ये पैसे बिना वहां गए हुए भी क्या हो जाने चाहिए, मिल जाने चाहिए। और इतना ही नहीं, जब वो जो है वो बच्चे के बर्थ के बाद आए तो भी जितने दिन के रेस्ट के बाद वो वापस आती है, जब बॉडी स्लैक हो कि वो काम पे वापस आ सके, जैसा मेडिकल साइंस ने बोला है, उतने दिन के बाद जब वो काम पे वापस आएंगी, काम पे तो वापस आना है, तो जब वो काम पे वापस आती है तो उस समय उसे जो ब्रेक वगैरह मिलना चाहिए वो ब्रेक नॉर्मल लोगों से ज्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि उन्हें अपने बच्चे का भी ख्याल रखना है। और इसी चीज को ध्यान में रख करके जहां पे फीमेल इंप्लॉय 30 से ज्यादा होते हैं वहां पे क्या रखना जरूरी है, क्रेचेज का इंतजाम जरूरी है। क्रेचेज का मतलब है जहां पे बच्चे को रखा जा सके। और जिस बीच में जो है वो राम दुलारी जो है वो क्या करने गई हुई है, काम करने के लिए गई हुई है, उस बीच में बच्चा वहां पे सुरक्षित रहे, ब्रेक वगैरह में उस बच्चे को जिस भी तरह के केयर की जरूरत है वो केयर करने के लिए उन्हें एक्स्ट्रा ब्रेक मिले, एंड दैट ब्रेक इज अदर देन द नॉर्मल लंच ब्रेक जो है उस तरह से। और ये उतने दिनों तक जितने दिनों तक उस छोटे बच्चे को माँ की जो है वो ज्यादा जरूरत होती है। ये सारा का सारा यहां पे दिया हुआ है, यानी कि इस एक्ट में हमें पढ़ना है कि वो कौन कौन से वुमेन है जिनके ऊपर ये एक्ट अप्लीकेबल है, दूसरा वो कौन कौन सा एस्टेब्लिशमेंट है जहां पे ये एक्ट अप्लीकेबल है, और अगर ये अप्लीकेबल है तो इस एक्ट के तहत बच्चे के बर्थ से कितने पहले आपको छुट्टी मिलती है विथ ऑल योर पेमेंट, सारे पैसे मिलते हैं, और बच्चे के बर्थ के बाद आपको जो है वो कितने दिनों तक सारे पैसे एज इट इज जो है वो क्या होते रहेंगे, मिलते रहेंगे। इसके अलावा कुछ खास तरह के टेस्ट वगैरह कराने के लिए जो है वो कौन सा जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो अमाउंट मिलता है, और साथ ही साथ किस तरह का जो है वो आपको एक्स्ट्रा ब्रेक मिलता है। यही बेसिकली हमारा यहां पे जो है वो सारा का सारा ज्यूरिडिक्शन है इस एक्ट का। और अगर किसी इंप्लायर ने ऐसा नहीं किया, उनको वो फैसिलिटी नहीं दी, तो ऐसे केस में उनके ऊपर क्या फाइन पेनल्टी क्या की जाएगी, इंपोज की जाएगी। और आपको पता है हम जिन इंप्लायर की बात कर रहे हैं ये बहुत बड़े बड़े इंप्लायर है, रतन टाटा, कुमार मंगलम बिरला, आजिम हसन प्रेम जी, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, बहुत छोटे प्लेयर है। इन लोगों के ऊपर पैसे के फाइन पेनल्टी का कोई असर नहीं होता। इसीलिए देखिएगा, इस एक्ट ने बहुत कम ऐसे एक्ट हैं जिस एक्ट ने मिनिमम पेनल्टी का प्रोविजन रखा है। हर जगह मैक्सिमम लिखा रहता है कि ज्यादा से ज्यादा इतने रुपए, ज्यादा से ज्यादा इतना इंप्रिजमेंट। अरे भाई, ज्यादा से ज्यादा अगर लिखा हुआ 10 साल का सजा तो जीरो भी तो हो सकता है, लेकिन अगर मिनिमम इंप्रिजमेंट कहीं 3 महीने लिखा हुआ है तो इसका मतलब अगर जुर्म साबित हो गया तो कम से कम 3 महीने के लिए तो गए ठाकुर, कम से कम 3 महीने के लिए जेल होगा या नहीं होगा। अब ऐसे ही यहां पे प्रोविजन किए हुए हैं, जानना शुरू करें। लेकिन मुझे एक बात बताइए इससे पहले कि हम चीजों को पढ़ें, कि अगर कोई भी वुमेन कहीं पे काम कर रही हैं, उनको हम मैटरनिटी बेनिफिट के तहत छुट्टियां दे रहे हैं,
लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई जो है वो ज्यादा सयाने निकले, इधर छुट्टी लेते हैं उधर कहीं काम भी कर रहे हैं, अब मुझे बताइए आग को पानी का डर बना रहना चाहिए या नहीं? भाई इंप्लॉय के लिए बेनिफिट के लिए बनाया, लेकिन इंप्लॉय अगर चौधरी बनने लगे तो उन्हें बेनिफिट मिलना चाहिए? नहीं। अगर हम किसी वुमन को यह फैसिलिटी दे रहे तो उस वुमन ने कुछ दिनों तक वहां काम किया हो या बिल्कुल सोच समझ के प्लानिंग किए हो, आज आए सर हम कल से छुट्टी पे जाएंगे, अब मुझे बताइए क्या ऐसे में 6-6 महीने की मुफ्त की तनख्वाह दे जो इंप्लॉयर है? नहीं। आपके साथ उनका एसोसिएशन है, उन्होंने चीजों को ज्वाइन किया, तो ऐसे केस में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उन्हें क्या करें, चीजों को प्रोवाइड करें। तो ऐसे ही कुछ कंडीशन जो है वो उस वुमन के ऊपर जो छुट्टी लेना चाहते हैं, जो इस बेनिफिट को लेना चाहते हैं, और बाकी सारे कंडीशन किनके ऊपर? इंप्लॉयर के ऊपर। तो ये एक्ट का स्कोप आपका है कि ये आपका हर फैक्ट्री माइन प्लांटेशन इंक्लूडिंग सच एस्टैब्लिशमेंट बिलोंगिंग टू व्हाट, इसका मतलब समझ लीजिए कि कोई भी ऐसा एस्टैब्लिशमेंट जो है वो नहीं बचा जिस पर ये लागू नहीं होगा, प्राइवेट पब्लिक सब पे, क्लियर है? लेकिन यहां पर इन्होंने बोला कि अगर कोई भी चीज क्या है, शॉप है या क्या है, एस्टैब्लिशमेंट है, तो उस केस में वहां पे कम से कम कितने लोग काम करने वाले होने चाहिए? 10 या मोर। लेकिन ये 10 या 10 से ज्यादा क्या वुमेन एम्प्लॉय? कुछ नहीं लिखा है एक्ट में, ऐसे ही लिखा हुआ है, मैं तुच्छ प्राणी, मैंने कोई एक्ट नहीं बनाया, बस मैं आसान शब्दों में आपको बता रहा हूं जो लिखा हुआ है आपके सामने, क्या मतलब है? यहां पे ये सारे इंप्लॉय की बात कर रहे हैं या सिर्फ वुमेन इंप्लॉय की? यहां पे इनका बस एक ही चीज कहना है कि अगर आपका एस्टैब्लिशमेंट उतना बड़ा है तो इसका मतलब आप कैपेबल हैं क्या करने के लिए? वुमेन इंप्लॉय को रेस्ट देकर के भी पैसा देने के लिए। इसीलिए उन्होंने बोला है कि अगर आपके यहां काम करने वालों की संख्या कितनी है, 10 या उससे ज्यादा है, तो आपको ये फैसिलिटी क्या करनी पड़ेगी? अब इसमें वो सारे चीज शामिल होते हैं, 10 या 10 से ज्यादा, एक भी दिन एक भी पल के लिए पिछले 12 महीनों में लोग थे तो क्या करना पड़ेगा? लेकिन अगर मान लीजिए एक दिन बहुत सारा सामान आया हमारे पास और सिर्फ जो है हमें 2 दिन के लिए जरूरत पड़ी लोगों की कि भाई इस सारे सामान को रॉ मटेरियल को उठा करके जो है वो क्या करो, एस्टैब्लिशमेंट के भीतर फेंको वरना रोड पे जाम लग जाएगा। ऐसे हमारे पास 8 लोग काम करते थे जनरल, और उस दिन हमने जो है वो 2 दिन के लिए 20-20 लोगों को और रखा, अब बताइए क्या ये चीज फुलफिल हो रहा है? नो। इसीलिए क्योंकि वो किस नेचर के हैं? कैजुअल नेचर के हैं। लेकिन अंतिम दिन मान लीजिए पूरे साल को जब हम कैलकुलेट करते, मान लीजिए बिल्कुल 31 दिसंबर को हमने जो है वो 4 और लोगों को हायर किया, ऐसे अभी तक हमारे पास 8 परमानेंट लोग थे और 31 तारीख को हमने जो है वो 4 लोगों को हायर किया, बट विथ इंटेंशन कि ये परमानेंटली हमारे साथ क्या करेंगे, काम करेंगे। अब बताइए एक ही दिन उसने काम किया, एक्ट अप्लीकेबल होगा या नहीं? कहा बिल्कुल होगा, क्योंकि यहां पे एक विदिन एक विपल वो कैसे इंप्लाई होने चाहिए, वो हमारे रेगुलर इंप्लाई होने चाहिए। अब आप जरा याद कीजिए इंप्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, जिन लोगों ने पढ़ा है, ईएसआई एक्ट में भी मेटर्निटी बेनिफिट दिया हुआ है और साथ ही साथ यहां पूरा का पूरा एक्ट बना हुआ है। और मैंने आपको बताया था जब आप ईएसआई एक्ट पढ़ रहे थे कि वो इंप्लॉय जिनकी सैलरी कितने से ज्यादा 21,000 से ज्यादा है वो ईएसआई एक्ट में कवर नहीं होते हैं। लिखा हुआ है कि अगर आपकी सैलरी 21,000 से ज्यादा है तो इंप्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल, और इंप्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के तहत भी मेटर्निटी बेनिफिट मिलता है, सिकनेस बेनिफिट मिलता है, मेडिकल बेनिफिट मिलता है। तो ये लॉ कहता है कि जहां ईएसआई एक्ट एप्लीकेबल है वहां पर मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट एप्लीकेबल, लेकिन अगर ईएसआई एक्ट एप्लीकेबल है लेकिन राम दुलारी की सैलरी 22,000 है तो बोला कि राम दुलारी के ऊपर ईएसआई एक्ट नहीं है तो ईएसआई एक्ट के तहत उन्हें मेटर्निटी बेनिफिट का फायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि ईएसआई एक्ट कहता है कि 21,000 रुपए तक के सैलरी वालों के ऊपर ही हम क्या है एप्लीकेबल हैं। तो यहां पे बोला गया कि कोई बात नहीं है राम दुलारी, नथिंग टू वरी, उनके ऊपर कौन सा एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा, उन्हें बेनिफिट मिलेगा किस एक्ट के अकॉर्डिंग, मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट के तहत, क्लियर है ये चीज। और मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट ने कोई स्लैब ही नहीं रखा, किसी इंप्लॉय को करोड़ों रुपए मिलते हैं तो भी इस एक्ट में वो क्या होंगे,
गवर्न होंगे। तो अब यहां पे ईएसआई एक्ट अगर नहीं है, ईएसआई एक्ट अप्लीकेबल है तो ये एक्ट अप्लीकेबल, क्योंकि दोनों में बेनिफिट मिल रहे, तो दो दो बार तो बेनिफिट मिलेगा नहीं। और अगर ईएसआई एक्ट अप्लीकेबल है लेकिन उस इंप्लॉय के ऊपर अप्लीकेबल नहीं है, तो कहा कि तब भी जो है आप किस एक्ट में कवर्ड हो जाएंगे, मेटर्निटी बेनिफिट में। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं कि ईएसआई एक्ट जो है वो एप्लीकेबल नहीं है उस एस्टेब्लिशमेंट में, या ईएसआई एक्ट तो एप्लीकेबल है उस एस्टेब्लिशमेंट में लेकिन उस वर्कर पे एप्लीकेबल नहीं, इन दोनों का अंतर पता है? हाँ जी बताइए तान्या तिवारी, क्या अंतर है इन दोनों का? लेकिन मैंने बोला एस्टैब्लिशमेंट पे ईएसआई एक्ट एप्लीकेबल है, इसका क्या मतलब है? हाँ जी सोनल मान सिंह, मुक्का मारूंगा मैं, मामू मत बनाइए, एग्जैक्ट आंसर दीजिए क्या है। बिल्कुल, और भी बताइए, एस्टैब्लिशमेंट का वो याद नहीं है कि कितने लोगों के काम करने पे एप्लीकेबल होगा? दो चुल्लूहर पानी बोनस एक्ट में, ग्रेच्युटी में। हमेशा याद रखिए, आप एक लिस्ट जरूर बनाइएगा वेजेस का, मैंने आपको कहा था चार्ट बनाने, ऐसे ही हर एक्ट के एप्लीकेबिलिटी वाला एक जरूर बनाइएगा, एक्ट लिखिएगा और एप्लीकेबिलिटी लिखिएगा और उसके सामने लिखिएगा 10, 20 कहां पे कितना है, क्योंकि ये सब एमसीक्यू का बड़ा शानदार क्वेश्चन है कि ये एक्ट अप्लीकेबल होने के लिए कम से कम कितने लोग होने चाहिए। तो ठीक कह रहे हैं कि हो सकता है ईएसआई एक्ट ही वहां पे एप्लीकेबल ना हो, या उस इंप्लॉय पे ईएसआई एक्ट एप्लीकेबल, वो सारे कहां कवर हो जाएंगे हमारे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में। कहा कि इसका एक्सेप्शन, तो वही जो मैंने आपको एक्सेप्शन बताया, अगर ईएसआई एक्ट है एप्लीकेबल तो वहां पे इसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी, सिर्फ उनके लिए होगी जो ईएसआई एक्ट के दायरे में नहीं आते। मतलब इतना ही है कि ईएसआई एक्ट में वो मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है तो आपको वहां नहीं मिल रहा, तो इस एक्ट में जो है वो मिलेगा। लेकिन अब कौन कौन से इंप्लॉय इसके लिए एंटाइटल है, यानी कि जब भी मैं यहां इंप्लॉय बोल रहा हूं तो बट ऑब्वियस है, कैसे इंप्लॉय की बात कर रहा हूं, मैं वुमेन की बात कर रहा हूं, मैं फीमेल इंप्लॉय की बात कर रहा हूं, एवरी वुमेन इंप्लॉय, वेदर इंप्लॉय डायरेक्टली और थ्रू, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये जो है वो क्या है, खुद से जो है वो का। और एक चीज और देखिएगा, यहां पे आगे जब देखिएगा तो इसमें लिखा भी हुआ है, ये रेगुलर को ही सिर्फ नहीं बोलता है, इवन ये कैजुअल भी अगर उतने दिन काम किए हैं तो उनके ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। देखिए आगे बात करते हैं, इन्होंने कहा कि चाहे खुद से राम दुलारी काम करने गई हो या कॉन्ट्रैक्टर के जरिए, कॉन्ट्रैक्टर के जरिए का मतलब कॉन्ट्रैक्टर जो काम पे भेजते हैं कि जाइए फलाने जगह पे काम है, फलाने जगह पे काम है, का सबके ऊपर एप्लीकेबल है। लेकिन कौन, who has actually worked in the establishment, कम से कम कितने दिन, 12 महीनों में कम से कम क्या हो, कितने दिन काम किए हो, यानी कि उनके जो है वो प्रेगनेंसी और डिलीवरी, एक्सपेक्टेड डिलीवरी से पहले के जो 12 महीने हैं उसमें से कितने दिन कम से कम 80 डेज जो है उन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन में उस जगह पे काम किया। और मुझे एक चीज बताइए, जिस जगह पे आप 80 भी दिन काम नहीं किए हैं उनसे आप उम्मीद करते हैं कि आपको, आगे बताऊंगा, 6-6 महीने की फ्री सैलरी मिलती है, 26 वीक्स का है, 26 वीक्स का, 6 महीने का आपको जो है वो सैलरी कंप्लीट फ्री दे, क्या ये इंप्लायर के ऊपर थोड़ा ज्यादा जागते नहीं हो गया? मतलब किसी को प्रोटेक्ट करने में इंप्लायर बोलेगा बंद करता हूं अपनी दुकान में, इसीलिए इन्होंने ये रूल रखा कि कम से कम कितने दिन काम किया हो, 80 दिन जिस वुमेन इंप्लॉय ने काम किया है अंतिम किस महीने में, 12 महीने में, जब से वो छुट्टी पे जा रही है एक्सपेक्टेड डिलीवरी से, अगर वो एक साल के भीतर 80 दिन भी काम किए हैं तो उसके ऊपर ये एक्ट अप्लीकेबल होगा, यानी इस एक्ट के जो जो बेनिफिट आगे बताऊंगा, छुट्टी और बाकी वो सारा का सारा उन्हें मिलेगा। अब इस 80 डेज में कहा गया कि वो लोग शामिल नहीं है जो स्टेट ऑफ आसाम को जो है वो क्या कर गए, माइग्रेंट कर गए जिस समय वो प्रेग्नेंट थे। ऐसा इसीलिए क्योंकि आसाम वगैरह में और कुछ और भी स्टेट है जहां पे कम लोग जो है वो जाना चाहते हैं वर्क के लिए,
तो उन्होंने बोला कि चूंकि वहां पे हम चाहते हैं वर्क को बढ़ावा दे, ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पे फीमेल इंप्लॉय भी क्या करे, काम करे, तो उन्होंने बोला कि अगर ये 80 दिन की काउंटिंग उनके लिए जरूरी नहीं है जो कहां चले गए हैं, आसाम चले, 40 दिन यहां पे काम किया, उसके बाद वो जाकर के अब आसाम में काम करने लगे, तो उनका इंप्लॉयर तो बदल गया। वो कहते हैं इस केस में 80 दिन पूरा होना जरूरी नहीं, लेकिन वो किस स्टेट में काम करने गए हैं, इसके अलावा कहीं और जाएंगे तो उनको ना इधर से मिलेगा ना उधर से मिलेगा। रीजन ये है कि उनके कम से कम कितने दिन पूरे होने चाहिए 12 महीने में, 80 डेज जो है वो होने चाहिए। और क्यों ये 80 डेज काउंट नहीं हो रहा है, मैंने आपको लॉजिक बताया, ताकि हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पे जाकर के क्या करे, काम करे, क्योंकि आसाम वगैरह में उस समय 1961 जब ये एक्ट बना, चाय वगैरह का बगान आज भी वहां बहुत ज्यादा है, लेकिन उस समय आसाम में ही सबसे ज्यादा था। आज बाकी जगहों पे भी ज्यादा डेवलप हो गए, लेकिन उस समय वहां ही सबसे ज्यादा था। और चाय बागानों में जो है वो खास तौर पे जो है वो वुमेन एम्प्लॉय ही काम करते हैं। आप बोलेगा सर ऐसा क्यों, वो चाय बना के पीते भी रहते हैं? नहीं, कुछ काम ऐसे होते हैं जिस काम में कहा जाता है कि बाय नेचर, जैसे मैं कैसे बोल देता हूं बागर बिल्लो, मतलब कुछ जगहों पे जो है वो हमारा और आपका जो है वो टेंडेंसी ही जो है वो थोड़ा रूड सा है। जैसे आप देखिएगा नर्सिंग वगैरह में ज्यादातर आपको वुमेन दिखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा जो है वो वैसे ही, आप बोलेगा सर ऐसे ही देख के लोग ठीक हो जाएंगे, नहीं ऐसे भी बात नहीं है, लेकिन एक जो है वो नॉर्मल सा जो है वो सोफिस्टिकेशन लुक रहता है। आप देखिएगा ना पापा को देख करके, घर में देख लीजिए आसान हो जाएगा। मैं तो पापा को देखता था, मुझे बस अमरीशपुरी दिखते थे, क्योंकि मूवी में जैसे अमरीशपुरी वैसे ही जो है वो सिर्फ गदर ही मचाए रहते थे, कभी मुक्के की बात हो रही तो कभी मुक्का चला दे रहे हैं। और मम्मा को जब भी देखता था तो निरुपमा राय कि कुछ भी हो जाएगा, तो मेरी मम्मा तो खास तौर पे अगर उनको कुछ हुआ तो डांटती बाद में खुद ही अकेले बैठ के रोने लगे, मम्मा रोने लगे तो सब ऐसे पीछे पड़ जाते थे। अगर मम्मा, मेरी मम्मा डराने के लिए बहुत छोटे में, अब तो मम्मा भी बोलती कि आजकल के बच्चे को अगर ऐसे डराएंगे तो वो तो बोलेगा कर ही लो। मेरी मम्मा सिर्फ माचिस ऐसे करके ले लेती थी और बोलती थी तुम लोग अगर नहीं पढ़ोगे ना, ज्यादा तंग करोगे ना, तो देखो माचिस है मेरे पास, मैं माचिस जला लूंगी और आग लगा लूंगी। हम लोग रोना शुरू करते, नहीं मम्मा हम लोग दिन भर पढ़ेंगे, और लगातार जो है वो क्या करते रहते थे, पढ़ते रहते थे। मेरी मम्मा बोलती कि अगर आज के बच्चों को बोलेंगे तो वो थोड़ा सा जो है वो मिट्टी का तेल पेट्रोल ला देगा कि मम्मा पूरी तरह से नहीं जल पाओगी माचिस से, थोड़ा इसका भी क्या कर लेना, इसका भी जो है वो थोड़ा क्या करना, मिट्टी का तेल किरासिन ऑयल को बोलते हैं। रूरल एरिया में यही बेसिकली आपके पास फ्यूल जैसा चीज रहता है। अच्छा, मुझे लगा शायद नहीं समझ पा रहे मिट्टी का तेल, इसलिए बोला कि किरोसिन ऑयल को बोलते हैं। तो यहां पे कह रहे हैं कि अगर उन्होंने कितने दिन पूरे कर लिए हैं, 80 डेज, तो कर सकते हैं। और चाय का जो बगान है उसमें एक खासियत होती है कि चाय के पत्ते को ऊपर से तोड़े जाते हैं, पौधा नहीं उखाड़ा जाता। अगर पौधा उखाड़ा जाता तो बागर बिल्लों को रखते, अब वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या किया जाता है, ऊपर से टहनी को पत्तियों को तोड़ा जाता है। पता चला कि हमें बोला जाए तोड़ने के लिए तो और भी टूट के गिर भी रहे, कुछ हाथ में और कुछ टूट रहे, और वहां पे बड़े नाजुक तरीके से ऐसे करके तोड़ते जाते, फेंकते जाते, तोड़ते जाते, देखेंगे टोकरी जैसा बना रहा, लेते गए फेंकते गए लेते गए, इस तरह से। ऑडिट पे जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए वहां पे ज्यादातर कौन रहते हैं, वुमेन। तो उन्होंने इस चीज को इनकरेज करने के लिए बोला कि अगर कोई 40 दिन भी किसी और जगह काम किया और फिर कहां चले गए, आसाम गए, तो मानते थे टी बागान और उसमें काम करने, तो बोलते थे इनका वो दिन पूरा हो गया, इनके 80 डेज मान लिए जाएंगे। फॉर कैलकुलेटिंग 80 डेज, अगर कहीं पे कोई लेड ऑफ हुआ है, लेड ऑफ का मतलब आपको याद है, बंदा आया हुआ है काम के लिए और बोला गया, बंदा का मतलब बंदी भी है, कि बंदी जो है वो काम के लिए आई हुई है और इंप्लॉयर के पास देने के लिए काम नहीं है, तो माना जाएगा कि उनका एक दिन क्या हो गया है, पूरा हो गया है। और ये 80 दिन के कैलकुलेशन में अगर उनके 30 दिन ऐसे थे जब वो आई थी और काम नहीं था, क्यों काम नहीं था, क्योंकि हमारा उतना जो पहले से ही प्रोडक्ट पड़ा हुआ, या हो सकता है उस समय बाढ़ आया हुआ था, या कोई डिजास्टर आया हुआ था, या प्लांट शट डाउन था, पावर ब्रेक डाउन हो गया था, किसी भी केस में हम नहीं दे पाए, तो वो 80 डेज में काउंट होगा या नहीं होगा, कहा गया वो 80 डेज में जो है वो हमारा काउंट होगा। देर इज नीदर अ वेज सेलिंग फॉर कवरेज अंडर द एक्ट, नॉर देर इज एनी रिस्ट्रिक्शन एज रिगार्ड टू टाइप ऑफ वुमेन इज एंगेज्ड इन। याद कीजिए, हर जगह हम लोग बोलते थे सुपरवाइजर, मैनेजर, इन सब लोगों के ऊपर लागू नहीं होगा, लेकिन यहां पे कह रहे हैं कि नहीं, ना ही जो है वो किसी तरह के काम का कोई जो है वो बंदिश है, किसी भी तरह के आप वर्क में, आपके ऊपर ये एक्ट क्या रहेगा, एप्लीकेबल रहेगा, और साथ ही साथ चाहे कितनी भी आपकी सैलरी क्यों ना हो, आपके ऊपर ये एक्ट क्या रहेगा,
और कमाल की बात देखिए, किसी भी एक्ट में आज तक आपने देखा था कि कैजुअल बेसिस पे अगर कोई है तो उनको क्या हम काउंटिंग में शामिल करते थे? यहां पे कह रहे हैं कि अगर आप कैजुअल बेसिस पे भी हैं, लेकिन कैजुअल बेसिस पे भी कितने दिन वहां काम कर दिया है? 80 डेज। अब आप जानिए कि वहां पे आपके 80 डेज हुए नहीं, अगर हो गए हैं तो सारे जगह तो आपका जो है वो रिकॉर्ड रहेगा ही, तो आपको भी ये फैसिलिटी मिलेगा। ऑल्दो आप मस्टर रोल पे नहीं है, मस्टर रोल का मतलब होता है परमानेंट एम्प्लॉय जिनका जो है रजिस्टर मेंटेन होता है, तो भी आपको ये फैसिलिटी क्या होगा, मिलेगा। तो जैसे ये रेगुलर को मिलता है, कैजुअल को भी मिलेगा। एक ही कंडीशन, 80 डेज क्या होना चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए। अगर 80 डेज नहीं कंप्लीट है तो उसका एक ही एक्सेप्शन है कि वो वहां से जो है वो सिर्फ कहां गए हैं, किस स्टेट, आसाम। इसके अलावा और कोई एक्सेप्शन नहीं है। इस 80 डेज में इनके जो लॉफुल जो है जो हॉलीडे है वो सब शामिल है। लॉफुल हॉलीडे का मतलब ये नहीं कि छुट्टी वाला दिन, लॉफुल का मतलब हो गया कि ले ऑफ वगैरह वाला चीज इसमें क्या रहेगा, वो आई है और आपने काम नहीं दिया तो माना जाएगा कि वो उस दिन काम की है और वो 80 दिन में शामिल होगा। अब देखिए, ये तो हो गया वो लोग जिनके ऊपर एक्ट क्या होगा। अब जरा देखते हैं कि इस एक्ट में बेनिफिट क्या क्या मिलेगा। तो देखिए, इस एक्ट में कहा गया रेट ऑफ बेनिफिट, एवरी वुमन शैल गेट मैटरनिटी बेनिफिट फॉर द पीरियड ऑफ हर एक्चुअल एब्सेंस एट द रेट ऑफ एवरेज डेली वेजेस, ना 70%, ना 60%, ना 90%, पूरा का पूरा जो आपको वेजेज मिलता था वही एवरेज डेली वेजेज आपका दिया जाएगा। और कहा गया कि एवरेज डेली वेजेज कैसे निकालेंगे, तो इन्होंने कहा कि आप पिछले 3 महीने में जब वो छुट्टी के लिए जा रही थी मैटरनिटी बेनिफिट से पहले, जब वो छुट्टी पे जा रही थी तो उससे पहले काम किया होगा मैटरनिटी बेनिफिट के तहत, अब वो छुट्टी ले रही है, उससे पहले के 3 महीने में जितनी उनको जितने पैसे मिले उनको 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 महीने का एवरेज सैलरी, ये उसके 1 महीने का सैलरी हो गया, 30 से डिवाइड कर दीजिए, कितने दिन का हो गया, 1 दिन का हो गया। अब जितने भी दिन उनको मैटरनिटी बेनिफिट के तहत छुट्टी मिलेगी इसी रेट से उनको आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। क्लियर है ये? अब कितने दिन पे करेंगे आगे बताऊंगा, लेकिन पहले कितना पे करेंगे। तो कहा गया कि वो छुट्टी में जाने से पहले जो 3 महीने काम की है उस 3 महीने का आप एवरेज सैलरी निकाले। और एवरेज कैसे निकालेंगे, तो भाई दिसंबर, नवंबर और अक्टूबर, क्योंकि वो जनवरी से छुट्टी पे गई, तो इस 3 महीने में जितने पैसे मिले ऐड किया, ऐड करके 3 से डिवाइड कर दिया तो 1 मंथ का निकल गया। अब इस बेसिस पे 1 दिन का निकाल लीजिए और जितने दिन का इस ये एक्ट बोलेगा छुट्टी देने उतने दिन से मल्टीप्लाई करके उतने पैसे उनको पूरे राजकीय सम्मान के साथ दे दीजिए, वरना आपकी खैर नहीं, क्योंकि लॉ ने ऐसा प्रोविजन किया हुआ है। और देखिए आगे, द मिनिमम रेट ऑफ वेजेज फिक्स्ड, तो जब आप ये कैलकुलेट करेंगे तो एक हो गया 3 मंथ्स का एवरेज निकाल लिया, दूसरा मिनिमम वेजेज एक्ट के अकॉर्डिंग दिया हुआ है कि इस काम में कम कितने पैसे मिलने चाहिए। हो सकता है इनका एवरेज मंथली निकला 10,000, पॉसिबल मंथली, लेकिन एज पर मिनिमम वेजेज एक्ट गवर्नमेंट ने तय किया हुआ कि इस एक्ट में कम से कम 11,000 रुपए इस काम में मिलने चाहिए। पॉसिबल, हो सकता है, कोई बात नहीं, ये भी लिख दीजिए। रिवाइज अंडर मिनिमम वेजेज एक्ट, कह रहे हैं कि अगर रिविजन भी हो गया, अच्छा रुकिए जरा, कोई बोलेंगे नहीं ना, पेज को पलटेंगे, अपना कॉपी कॉपी नहीं निकला हुआ है, अच्छा है, बंद ही रहने दीजिएगा। मिनिमम वेजेज एक्ट पढ़ते वक्त हमने कुछ प्रोविजन पढ़ा था जिसमें एक था फिक्सेशन का और एक था डैश का। आपको बताना है वो डैश वाला चीज क्या है और उस डैश में क्या प्रोविजन है। जिनको याद है बस हाथ उठा लीजिए। चलिए पहला हाथ, आप बच्चे पढ़े हैं क्या? नहीं, पीछे रुचि, अच्छा ऐसे ही हाथ उठाए, अच्छा हाथ कुछ और कर रहे हैं, ओके अच्छा गेम दे रहे थे। चलिए मानसी, हाँ मैं जो वर्ड जानना चाह रहा हूं वो क्या है, रिवाइज, फिक्स करना और क्या करना, रिवाइज करना। मिनिमम वेजेज एक्ट ने तय कर दिया कि इस एक्ट में रामदीन को इतने पैसे मिलने चाहिए, तो रामदीन राम दुलारी सब आ गए क्योंकि मिनिमम वेजेज एक्ट दोनों पे एप्लीकेबल है, और बोला कि 12,000 रुपए होने चाहिए। कितने साल में रिवाइज होना जरूरी है?
ठीक है, मिनिमम वेज एक्ट ने तय किया जो है वो 12,000, फिर जो है वो 3 साल बाद वो रिवाइज हो गया। हाँ, मतलब रिवाइज हुआ और जल्दी भी हो सकता है, रिवाइज होकर के वो हो गया मान लीजिए 14,000, पॉसिबल। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग तो आपका जो है वो 12,000 आया, लेकिन रिवाइज होने के बाद ये क्या हो गया, होगा ना यार रुपीज क्या लिखा हुआ है। अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, लॉ मेकर, मैंने बोला ना ये गरीबों के लिए बनाए हुए एक्ट वगैरह लेबर लॉ के एक्ट है, किसी का ध्यान नहीं जाता इन चीजों पे। लेकिन वही सेबी के प्रोविजन में नहीं बोलता हूं कि पता नहीं कब चेंज हो जाएगा, क्योंकि इससे पूरा इकोनॉमी चल रहा है ना, सिक्योरिटीज मार्केट स्टॉक एक्सचेंज। तो इन्होंने ये रुपीज क्या रखा है 10, इन चारों में से देखिए लेकिन क्या लिख दिया है, विच एवर इज, देखिए हाइएस्ट ऑफ द फॉलोइंग, तो इसीलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, रहने दीजिए 10 रुपए, 1961 के हिसाब से 10 रुपए है, 1961 के अकॉर्डिंग, तो मैटर करता है। पापा लोग बोलते थे कि उस समय 300 कुछ होते जो सैलरी मिली थी पहली सैलरी, तो उस हिसाब से तो लग रहा है हो सकता होगा। अब यहां पे कह रहे हैं कि इनमें से जो सबसे ज्यादा होगा, तो इस केस में कितना मिलना चाहिए, अब बताइए सही किया गलत किया। ऐसा इसीलिए किया कि कहीं आपने जो अंतिम 3 महीने में कम तो नहीं दिया है, क्योंकि आपको कहीं से खबर आया कि राम दुलारी जो है वो लीव पे जाने वाली है, तो इधर 3 महीने का आपने क्या, पॉसिबल भाई, जितना इंप्लायर जो जो चीज लॉ मेकर के पास पहुंचता उसी अकॉर्डिंग लॉ बनाते। तो उन्होंने बोला मिनिमम वेजेज, रिवाइज, 10 या एवरेज, इनमें से जो सबसे ज्यादा होगा वो उनका रेट हो गया, और इसी के अकॉर्डिंग जितने दिन की उनकी छुट्टी है आप पे करेंगे। कोई कुछ पूछ रहे थे, सारे पे है एप्लीकेबल, इसीलिए तो दिया क्योंकि उस समय के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि कितने लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि सैलरी और ये वाले में 10 रुपीज ही क्या निकल के आ जाए ज्यादा। मैं कब की बात कर रहा हूं, जब एक्ट बना तभी तो मैं ही खुद कह रहा हूं कि इसमें जो है वो चेंज आया कहां, तो इन्होंने इस चीज को अपडेट नहीं किया। कोई फर्क नहीं पड़ता हमें मिनिमम वेजेज एक्ट अपडेट हो रहा है या नहीं, मिनिमम वेजेज रिवाइज हो रहा है या नहीं, आपकी सैलरी रिवाइज हो रही है या नहीं, तो इसीलिए ये चारों में से जो क्या होगा। अच्छा, अगर ये लिखा रहता विच एवर इज लोअर, तो आपका क्वेश्चन जेन्युइन था कि सर मजाक कर रहे हैं क्या, तो मैं भी आपके साथ आंदोलन में उतरता, लेकिन ऐसी नौबत आएगी क्योंकि ऑलरेडी ऊपर के ग्राउंड दिए हुए हैं। अब देखिए कहा कि कितना जो है वो मिनिमम वर्किंग पीरियड, तो मिनिमम वर्किंग पीरियड हमने ऑलरेडी देख लिया है कितना है, 80 डेज। मैक्सिमम बेनिफिट पीरियड यानी कि इस मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के तहत टोटल कितने दिन का आपको बेनिफिट मिलेगा, तो बोला गया कि ये होंगे 26 वीक्स इन जनरल, आगे कुछ एक्सेप्शन है बात करेंगे जहां और भी बेनिफिट मिलेगा, कितने वीक्स, एंड 26 वीक्स इज इक्वल टू 6 मंथ, क्योंकि 52 वीक्स होते हैं 1 ईयर में, तो 6 महीने का जो है वो वेजेज मिलेगा। किस रेट से मिलेगा, अभी तो देखा हमने उसमें से जो क्या होगा ज्यादा होगा, इसका मतलब जो सैलरी आप ले रहे होंगे उससे कम तो किसी शर्त पे नहीं मिलेगा, उतना तो आपको मिलना ही मिलना है, यानी कि 6 महीने तक आप नहीं भी जाएंगे तो आपको सैलरी मिलेगा। लेकिन इन्होंने क्या बोला है कि ये 26 सप्ताह को इन्होंने 2 पार्ट में बांटा है, ये इसीलिए बांटा ताकि लोग इसका मिसयूज ना करने लगे। जैसा जो है वो डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब किया है कि कब छुट्टी कब से चाहिए और कितने दिन बाद तक चाहिए, तो कहा गया कि डिलीवरी से पहले ज्यादा दिन छुट्टी नहीं चाहिए, लेकिन बच्चे के बर्थ के बाद जो है वो ज्यादा जो है वो दिन छुट्टी चाहिए रहता है। तो इस अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि 8 वीक्स तक आप छुट्टी ले सकते हैं बच्चे के क्या करने से पहले, बर्थ से पहले, और बाकी जो है वो कितने हो गए इसमें आपके 8 अगर गए तो 18 और 8 में डिवाइड कर दीजिए, 18 वीक्स बबच्चे के बर्थ के बाद और 8 वीक्स क्या होगा। लेकिन इसमें कोई आपके ऊपर कंपल्सन नहीं दिया गया, आप अगर चाहते हैं कि बच्चे के बर्थ के 2 वीक पहले तक ऑफिस आना मोस्ट वेलकम, और आप यकीन करेंगे बहुत सारे लोग जो है वो लास्ट वीक तक भी जो है वो ऑफिस आते हैं, लास्ट वीक तक भी, क्योंकि ज्यादा जो है वो छुट्टी की जरूरत, मैंने फिर आपको बोला कि डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग कब पड़ती है, बच्चे के बर्थ के बाद। अगर किसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो उस केस में जो है वो अंतिम दिन तक आए, उनकी मर्जी है, लेकिन किसी भी शर्त पे अगर वो 8 सप्ताह से पहले से नहीं आना चाहेगी तो ये अलाउड नहीं है, एक्सेप्शंस अपार्ट, जहां पे डॉक्टर ने रेस्ट या कुछ और चीज बोला है उन चीजों को छोड़ करके।
डेथ ऑफ वुमेन बिफोर एक्चुअली रिसीविंग बेनिफिट, अगर किसी भी कारण से एक्चुअल बेनिफिट रिसीव करने से पहले अगर डेथ हो जाती है वुमेन की, तो ऐसे केस में जो उनके नॉमिनी है उनको, और अगर कोई नॉमिनी अपॉइंटेड नहीं है तो किनको, लीगल हायर को जो है ये पैसे मिलेंगे। क्लेम फॉर मैटरनिटी बेनिफिट का कहा गया कि आप जो है वो क्या करेंगे, नोटिस देंगे किनको, एम्प्लॉयर को। और ऐसे केस में जब आप नोटिस देते हैं तो कहा गया कि आप कोशिश करें कि जितना क्विक नोटिस दे सके उतना अच्छा है। रीजन ये है कि एम्प्लॉयर को आपके जगह पे कोई अल्टरनेट इंतजाम करना पड़ेगा। रीजन आप एक दिन, दो दिन या एक सप्ताह के लिए नहीं, कितने दिन की बात है, 26 वीक्स की, और आगे आप देखिएगा कुछ एक्सेप्शनल केसेस में ये एक महीने और बढ़ा दिया जाता है, तो तकरीबन 7 महीने अगर आप नहीं आएंगे तो ऑफिस चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। तो कहा कि अगर आपको कोई ये बेनिफिट चाहिए तो आप जो है वो इंफॉर्मेशन देंगे, लेकिन कितना फ्लेक्सिबल इस चीज को किया गया कि ये देखिए, बाकी केसेस में आप देखते थे कि अगर रामदीन समय पे नहीं आया तो फिर उस एक्ट में उसको जो है वो कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, उसे किस कोर्ट में आना पड़ेगा, सिविल कोर्ट में, जहां तारीख पे तारीख और इंसान बन गया तारीख। लेकिन इस एक्ट में क्या कहा गया है कि अगर इन्होंने नोटिस नहीं भी दिया, अगर इन्होंने जो है वो अपने जो है प्रेगनेंसी की सूचना नहीं भी दी, कहा गया तो भी आप इनका बेनिफिट नहीं रोक सकते हैं। और इवन जो है ये अंतिम सूचना दे रहे हैं, और कब दे रहे हैं, बच्चे के बर्थ के बाद बता रहे हैं, तो भी आप इनके किसी भी पैसे को डिडक्ट नहीं कर सकते हैं। हालांकि इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप वापस लौट करके आएंगे उसको अगर आप किसी न किसी तरह से स्टेक पे रख देते हैं तो नॉट एक्सेप्टेबल। लेकिन वही है, लॉ ने इसके लिए आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं रखा है, बल्कि एम्प्लॉयर के ऊपर रखा है कि अगर उन्होंने आपको नोटिस नहीं भी दिया और आपको एकाएक धप्पा देती है, और वो धप्पा ये है कि भाई मैंने बच्चे को डिलीवर किया, अब मैं और 18 वीक तक या 26 सप्ताह तक आने वाली नहीं हूं, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पैसे देने पड़ेंगे। यानी कि उनका जो है वो सैलरी क्या रहेगा, कंटिन्यू। वो खुद नहीं आ सकती हैं, अगर आप कहेंगे सर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, मैं 1961 की बात कर रहा हूं इसीलिए दोनों बात बताना जरूरी है। अगर उस समय किन्हीं का अकाउंट नहीं था, आज ना जनधन योजना है, लेकिन पहले जो है वो बहुत सारे, रामदीन तक का अकाउंट नहीं था तो राम दुलारी को आप छोड़िए, जब से जनधन योजना के तहत अकाउंट खुला तब से बहुत गरीबों का क्या हुआ है, अकाउंट बना है, अदरवाइज अकाउंट भी नहीं हुआ करता था। तो ऐसे केस में अगर वो खुद नहीं आई, किसी और रिप्रेजेंटेटिव को भेजी, तो भी उनको क्या करना पड़ेगा, कहा गया कि आपको जो है वो सैलरी देनी पड़ेगी। लेकिन व्हाट इज द गुड प्रैक्टिस, कहा गया कि नोटिस एज सून एज पॉसिबल हो उनको क्या करना चाहिए। कहा कि सबसे अच्छा तो यह है कि जब वो प्रेग्नेंट होती है तभी वो बता दे, ताकि इंप्लॉय उस समय से क्या कर सके, अल्टरनेट की तलाश कर सके। क्योंकि आप जो है बच्चे के बर्थ के 8 सप्ताह पहले से जा सकते हैं, तो अगर उनको ये पता रहेगा तो उस अकॉर्डिंग वो चीजों को क्या करेंगे, मैनेज, या आप ही से जो है वो काम को गिव ओवर टेक ओवर भी तो होना चाहिए। कोई नया बंदा जो आएगा उसको आप क्या कर सके, थोड़े दिन के लिए बता के जाएं कि भाई ये मेरे काम है और यहां यहां मैंने इस तरह का फाइल वर्क किया, इस तरह से चीजों को किया हुआ है। हाँ जी, क्या देयर दे सेल स्टेट द डेट फॉर विच, तो अगर गल होगा तो ठीक कर लीजिएगा। हर जगह जो है वो आपका सेम चीज एप्लीकेबल है। 8 वीक्स तक का आप क्या ले सकते हैं, आप लीव ले सकते हैं, कब, बिफोर डिलीवरिंग द चाइल्ड आप ले सकते हैं 8 वीक्स का, और उसके बाद जो बचे, यानी टोटल 26 वीक्स है, जिसमें से 8 वीक्स से ज्यादा पहले नहीं ले सकते हैं। ऑन रिसीट ऑफ नोटिस एम्प्लॉयर शैल परमिट द वोमेन टू एबसेंट, यहां पे कोई जो है इफ बट नहीं है। अगर उन्होंने आपको नोटिस दी तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनके छुट्टी को सैंक्शन करना ही पड़ेगा। ये कोई उन्होंने जो है वो पार्टी फंक्शन के लिए नहीं मांगा है कि आप बोलिएगा कि अभी छुट्टी हम नहीं दे सकते, स्टॉफ की हमारे जो है स्टाफ के क्या है, शॉर्टेज है। अमाउंट ऑफ मेटर्निटी बेनिफिट फॉर अ पीरियड प्रोसीडिंग द डेट ऑफ आर एक्सपेक्टेड रिलीज शैल बी पेड इन एडवांस, लेकिन आपको क्या बस शो करना पड़ेगा प्रूफ,
और प्रूफ में कुछ नहीं है। जो आप डॉक्टर से दिखलाते हैं, डॉक्टर चीजों को डिक्लेयर करते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है, वो एक प्रूफ आप जरूर लगाएं क्योंकि ये प्रोटोकॉल है, ताकि जो है आपके जो हम एडवांस को क्या कर सके, सैंक्शन। मतलब 26 वीक्स वाला आप पैसे किस में लेना चाह रहे हैं, एडवांस में लेना चाह रहे हैं, अलाउड है, आप ले सकते हैं एडवांस में पैसे, क्योंकि आपको उस पैसे की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी उस समय। इसलिए द अमाउंट ड्यू फॉर सब्सिक्वेंट पीरियड शैल बी पेड विद इन व्हाट 48 आवर्स ऑन प्रोडक्शन ऑफ डिलीवरी ऑफ चाइल्ड। आप 8 वीक्स पहले जा रहे हैं, ले लीजिए वो पहले ही आप पैसा। जो बचा हुआ कोई भी पैसा है वो अगर आप लेना चाहते हैं जो 18 वीक्स का और रहेगा, तो जैसे ही बच्चे के बर्थ का कोई भी प्रूफ आप भेजेंगे, आजकल तो मेल के जरिए हो सकता है, उसके बाद आपको वो भी मिल जाएंगे। कितने वीक वाला? 18 वीक वाला। जो 8 वीक वाला है वो आप लेकर के जाइए, कोई इशू नहीं, बस आप दिखला दीजिए कि हाँ आप प्रेग्नेंट हैं, वो आप दिखलाइए, और उसके बाद बच्चे के बर्थ का कंफर्मेशन आप दीजिए, और एडवांस में क्या ले लीजिए आप, रिमेनिंग जो है वो भी आप ले लीजिए। द फेलियर टू गिव नोटिस शैल नॉट, देखिए साफ लिखा हुआ है, दिस एंटाइटल द वुमन टू मैटरनिटी बेनिफिट। अगर उन्होंने नोटिस नहीं दिया तो इसका मतलब आप उनको इससे वंचित नहीं कर सकते हैं। फोर फीचर ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट। अब ये थोड़ा दुख भरा बात है, लेकिन ये दुख भरा बात इसीलिए क्योंकि जो है वो राम दुलारी जो है वो चौधराइन बन रही है, क्या कर रही है वो देखिए। उन्होंने क्या किया, तो चौधरी है क्या, इसीलिए तो नहीं हंस रहे हैं। अच्छा, तो कह रहे हैं कि कर क्या रही है कि उन्होंने जो है वो एक जगह से मैटरनिटी बेनिफिट लिया, और मैटरनिटी बेनिफिट लेकर के मस्त कहीं दूसरी जगह क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब मुझे बताइए ये चलबे बोला गया नहीं, ये ना चलबे, ये जो है वो जायज नहीं है, ये जो सही नहीं है। तो इसीलिए इस केस में उनका बेनिफिट क्या कर लिया जाएगा, फॉरफिट कर लिया जाएगा, जैसे ये सूचना मिलेगी कि राम दुलारी जो है यहां से मैटरनिटी बेनिफिट में लीव ली हुई है और कहीं और क्या कर रही है, काम कर रही है, तो वो फॉरफिट कर सकते हैं। मैटरनिटी बोनस, ये पहले जो है वो हुआ करता था 250 रुपीज, इसको इंक्रीज करके 1000 किया गया। ये बेनिफिट क्या है वो देखिए, बच्चे के बर्थ से पहले और बच्चे के बर्थ के बाद कुछ खास तरह के टेस्ट होते हैं जो किए जाते हैं, कुछ खास तरह के जो है वो कई लेबोरेटरी टेस्ट हैं, तो अल्ट्रासाउंड है और भी चीजें हैं, और बच्चे के बर्थ के बाद भी बच्चे का भी कुछ टेस्ट किया जाता है कि बच्चा जो है वो स्वस्थ है या नहीं, कहीं बच्चे को इनक्यूबेटर में डालने की तो जरूरत नहीं। इनक्यूबेटर एक मशीन जैसा होता है कि कुछ बच्चे का जो है वो हार्ट वगैरह पूरा डेवलप नहीं हुआ रहता है, तो उस बच्चे को हम कहीं और मशीन वगैरह, कहने का मतलब है कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं। कहा गया कि अगर आपके अपने जो है वो हॉस्पिटल है, जैसे अगर मैं बात करूं टाटा नाम की कंपनी की, तो उनका जो है वो टीएमएच के नाम से खुद का जो है वो हॉस्पिटल भी है, टीएमएच पब्लिकेशन भी है, टाटा मैग्रो हिल, और उनका हॉस्पिटल भी है। कहने की अगर वो कह रहे कि हमारे हॉस्पिटल में ये टेस्ट है, तो आपने अगर वहां करा दिया तो ये पैसे 1000 रुपीज देने की जरूरत नहीं है, लेकिन राम दुलारी कहीं और रह रही है जहां पर ये टीएमएच हॉस्पिटल नहीं है या वहां तक पहुंच पाना पॉसिबल नहीं है, तो वैसे केस में उन्होंने बोला कि उस पैसे के अलावा कौन सा 26 वीक्स का जो उनको क्या दे रहे हैं, जो मैटरनिटी बेनिफिट का पैसा दे रहे हैं वो तो दीजिए एज इट इज, उसके अलावा भी 1000 रुपीज इनको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। और यही होता है प्री नेटल कन्फाइनमेंट का मतलब हो गया बच्चे के बर्थ के पहले, और पोस्ट नेटल केयर का मतलब हो गया बच्चे के बर्थ के बाद। तो बच्चे के बर्थ के पहले का कोई टेस्ट है या बच्चे के बर्थ के बाद का है, तो उसके लिए इनको 1000 रुपीज जो मिलता है ये मैटरनिटी बोनस है। याद रखिएगा मैटरनिटी बेनिफिट पूछा जाए तो 26 वीक्स, और अगर मैटरनिटी बोनस पूछा जाए तो वो कितना रुपया है, 1000 रुपीज है। उसमें आपको 8 को सेग्रीगेट करने की जरूरत तब पड़ेगी जब आपसे पूछा जाएगा प्री डिलीवरी और पोस्ट डिलीवरी मैक्सिमम कितना है। तो लीव यहां पे कह रहे हैं कि अगर कहीं भी किसी कारण से खुदा न खास्ते अगर जो है वो आपका प्रेगनेंसी किसी का जो है राम दुलारी का टर्मिनेट हो गया, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, मिसकैरेज। किसी भी तरीके से अगर ऐसा हो गया तो वैसे केस में कहा गया कि 6 वीक्स का जो है उनको क्या दिया जाएगा, उनको लीव दिया जाएगा। याद रखिए मैटरनिटी बेनिफिट तब मिलता है जब बच्चे को डिलीवर किया गया, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चा अगर किसी कारण से डेड भी है तो भी ये सारे बेनिफिट एज इट इज रहते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि बच्चे का बर्थ नहीं हुआ, उससे पहले ही तो
दो ही सप्ताह बाद या तीन सप्ताह बाद जैसे उन्होंने छुट्टी ली, मिसकैरेज हो गया और बच्चे का बर्थ अब नहीं हो सकता, तो वैसे केस में उनको वहां से मिसकैरेज के दिन से कितना छुट्टी मिलेगा, और उससे पहले सिक्स वीक्स उससे पहले का जो छुट्टी मिलना था वो तो उन्होंने क्या कर लिया था, ले ही लिया था। तो अगर ऐसा कुछ है तो कितने दिन का, 6 वीक्स का, अदरवाइज कितना वीक टोटल मिलता है, 26। लेकिन याद रखिएगा, इसमें ध्यान रखिएगा, ये 6 वीक्स उस दिन से है जिस दिन से क्या हुआ है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उससे पहले इन्होंने जो है वो शायद 10 वीक्स का ले चुका हो, नहीं पता ना, मिसकैरेज किसी भी स्टेज में हो सकता है। आपने छुट्टी ली ना, तो छुट्टी से ही कह रहे 8 वीक्स का, और उससे पहले ही तो मिसकैरेज होगा, ये टेक्निकल चीज है। अच्छा, इसमें सही कह रहे हैं, तो ये चीज जो है कि बच्चे के जो बर्थ के पहले ही सही बात है, मिसकैरेज हो सकता है, उसके बाद कैसे, मिसकैरेज का मतलब ही हुआ कि बच्चे का बर्थ नहीं हो पाया, तो कहीं भी जो है, हाँ ये थोड़ा ध्यान नहीं गया इसीलिए, तो अगर कहीं भी जो है वो बच्चे के बर्थ के पहले ही मिसकैरेज जैसा चीज हो सकता है, तो आपने अगर छुट्टी ऑलरेडी ले ली, हो सकता है 2 वीक का आपने छुट्टी क्या कर लिया होगा, ले लिया होगा, तो वहां से आपको और कितने वीक का मिलाएगा, 6। अगर मान लीजिए आपने 7 वीक का लिया और बहुत बुरा रहा कि बिल्कुल लास्ट में मिसकैरेज हुआ, तो इधर 7 वीक जो आपने लिया सो लिया, इसके अलावा और कितने वीक्स, 6 वीक्स के और मिलेंगे, ठीक है। लीव विथ वेज फॉर, हाँ जी, ये तो आप ही लोग समझाएं तो मुझे समझ में आया, अब मैं कितना समझाऊंगा। यहां पे देखिए, कहा गया कि बच्चे के जो है वो बर्थ के पहले जो है वो 8 वीक का, 8 वीक्स का आपको क्या मिल सकता है, मैक्सिमम मिल सकता है। मिसकैरेज इज दैट फिनोमिना व्हेन द टर्मिनेशन ऑफ डिलीवरी जो है वो क्या हो गया, टर्मिनेट, और बच्चे का बर्थ नहीं हो पाया। तो ऐसे केस में जिस दिन मिसकैरेज हुआ वहां से कितने दिन का आपको और मिल जाएगा, उसके बाद का 6, और ये डिलीवरी से एक भी दिन पहले हो सकता है, या हो सकता है उस पीरियड में कभी भी हो जाए, प्रेगनेंसी से लेकर के डिलीवरी के बीच में कभी भी मिसकैरेज हो सकता है, तो वहां से जो है आपको कितना मिलेगा, 6 वीक्स। अगर नहीं, उसके बाद साफ लिखा हुआ जिस दिन से मिसकैरेज हुआ उस दिन से कितने, और उससे पहले जो आपने छुट्टी ले ली वो बोलेंगे चल दोबारा काम कर, वो तो काम ऑलरेडी आपने छुट्टी क्या किया है, ले लिया है। हो सकता है 2 ही वीक की छुट्टी ली हो और तब तक क्या हो गया, मिसकैरेज, तो वहां से कितने होंगे, 8 वीक 6 वीक्स। आइए अब यहां पे देखें, अगर जो है ट्यूबेक्टोमी का मतलब होता है फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन, अगर जो है उन्होंने कोई फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन कराया है किसी फीमेल ने, तो ऐसे केस में 2 सप्ताह की छुट्टी मिलती है। और यहां पे याद रखिएगा, ये सारे छुट्टी जो मिल रहे हैं, चाहे मिसकैरेज के केस में, चाहे आपका जो है वो ट्यूबेक्टोमी के केस में, हर केस में रेट जो होगा छुट्टी में जो आपको पैसे मिलेंगे वो उसी रेट से मिलेंगे जो हमने कैलकुलेट किया था, किसमें, मेटर्निटी बेनिफिट में जो हमने कैलकुलेशन लिया था, चाहे वो आपका मिनिमम वेजेस, रिवाइज मिनिमम वेजेस 10 रुपीज, या 3 मंथ्स का जो हमने एवरेज निकाला था सैलरी, वो लीव फॉर इलनेस। ये बेसिकली क्या कहा गया कि किसी भी कारण से हो सकता है, कितने बार ऐसा होता है कि बोलते हैं उसे प्री मेच्योर डिलीवरी या कोई और कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, तो अगर किसी भी तरह से डिलीवरी से रिलेटेड कोई भी कॉम्प्लिकेशन आ गया और डॉक्टर ने एडवाइस किया, तो उस केस में जो आपका ये 26 वीक्स है वो तो आप एंटाइटल है ही, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट वन आपको 1 मंथ का और छुट्टी मिलेगा, और वो भी, ये जितनी भी छुट्टी की मैं बात कर रहा हूं ये सब पेड छुट्टी है। आप लीव विदाउट पे, तो उसके बाद जो भी होना चाहे वो तो मेडिकल कंडीशन के ग्राउंड पे कितने भी दिन तक हो सकते हैं, लेकिन मैं जिस छुट्टी की बात कर रहा हूं, क्या वो सारी छुट्टी जो है लीव विदाउट पे की है, वो विथ पे है, और उसमें भी एडवांस में पैसे मिल रहे हैं। तो यहां पे कह रहे हैं कि 1 मंथ का और आपको मिलेगा अगर कहीं भी किसी तरह का क्या हुआ है, कॉम्प्लिकेशन आया है, और ये कॉम्प्लिकेशन चाहे मिसकैरेज के दौरान भी हो सकता है कि मिसकैरेज ही जो है वो बिल्कुल लास्ट फेज में हुआ हो और वो 6 वीक्स में रिकवर नहीं हो सकता है, तो भी आपको जो है उस केस में भी क्या होगा, 6 वीक्स प्लस 1 मंथ। बच्चे का बर्थ हुआ लेकिन शायद कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन कुछ और था, तो उस केस में 26 वीक्स प्लस 1 मंथ, चाहे कोई भी इसमें से सिचुएशन हो, आपको 1 मंथ का एडिशनल छुट्टी मिल सकता है। नर्सिंग ब्रेक,
आप जो हैं वो पूरे तरह से ठीक होकर के आ गए और अब आप काम पे लौट गए हैं। जब आप काम पे लौट गए तो बच्चा तो अभी छोटा है, क्योंकि 26 वीक्स का मतलब है आप 8 वीक्स की पहले छुट्टी लिए होंगे, या हो सकता है आपने 8 वीक्स की पहले ना ली हो, आप हेल्दी हो, आपने पहले सिर्फ 1 वीक की ली हो, उसके बाद के कितने दिन लिए हो 25, मतलब 6 महीने बाद आप जो है वो वापस आ गए। मान लेते हैं 6 महीने बाद जब आप आ जाते हैं तो बच्चा बहुत छोटा रहता है, 4 महीने 5 महीने का बच्चा है, उस बच्चे को मां की ज्यादा केयर की जरूरत है। और बहुत सारे केसेस में एज पर लॉ उस समय बच्चे का जो है वो खाना पीना भी आप ही पे क्या करता है, डिपेंड करता है। इसीलिए इन्होंने यहां पे कहा है कि जब तक बच्चा 15 महीने का नहीं हो जाता है, कितने महीने का, 15 महीने का, 15 मंथ्स का नहीं हो जाता है, तब तक बाकी लोगों के लिए जितनी ब्रेक है, नहीं पता मुझे आपके ऑफिस में 1 ब्रेक का प्रोविजन है या 2, इसीलिए इन्होंने बोला है कि जितने भी ब्रेक का प्रोविजन हो वो तो इनको भी मिलेगा, इसके अलावा 2 ब्रेक आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। 2 ब्रेक क्या मिला, एक्स्ट्रा। अगर 1 ब्रेक आप देते हैं सिर्फ लंच के समय में तो इसका मतलब उनको टोटल 3 ब्रेक हुए। अगर आपने ऐसे ही ऑफिस में रखा हुआ कि इतने इतने देर पे 2 ब्रेक होते हैं इवनिंग के समय स्नैक्स जिसका, तो भी उनको उसमें 2 ब्रेक और क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ये हुआ बच्चे को खाना पीना खिलाना या बच्चे का क्या करना, देखभाल करने के लिए। ये ब्रेक को लेकर के ऐसे नहीं, लेकिन ये कम से कम जो है वो जब मिलता है तो 30 मिनट से 45 मिनट्स का मिनिमम ब्रेक जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। लॉ ने अगर ब्रेक बोला है तो वो मान के चलते हैं कि मिनिमम कितना है, 30 मिनट्स का जो है ये ब्रेक होता है। डिसमिसल ड्यूरिंग एब्सेंस फॉर प्रेगनेंसी, कहा कि अच्छा तो ये होता एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान उनको डिसमिस कर दे, नौकरी से भी तो हटाते हैं। तो कहा गया कि नहीं, ना आप उनको डिसमिस कर सकते हैं, ना उनके वेजेस को कम कर सकते हैं, ना कोई भी फैसिलिटी जो आप उनको काम के दौरान देते थे उसको किसी भी तरह से क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। वो सारी फैसिलिटी एज आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, और ना मेडिकल बोनस वगैरह जो है वो ले सकते हैं। तो कहा गया कि किसी भी, याद है आपको इसी में मैंने आपको बताया था प्रोटेक्टेड एम्प्लॉय, एक जगह मैंने बात की है, वर्ड यूज किया है लेबर लॉ में प्रोटेक्टेड इंप्लॉय। तो प्रोटेक्टेड इंप्लॉय में रुकिए जरा, 2 लोग आते हैं इस एक्ट में, नहीं दूसरे एक्ट में पढ़ाया है, मैं तो दूसरे सब्जेक्ट में बात करने लगता हूं, अभी तो जो है इसी सब्जेक्ट में हूं। दूसरे एक्ट में मैंने जिक्र किया था और वो वर्ड था प्रोटेक्टेड इंप्लॉय। आपको बताना है कि प्रोटेक्टेड इंप्लॉय किसके बारे में मैंने कहा था, किसके किसके बारे में और क्या कहा था उसमें। बोलूंगा तो सबको एक साथ याद आएगा, चलिए एक हाथ उठा है, 2 3 3, चलिए स्नेहा आप ही बताइए, 2 3 बार बिल्कुल आप बोलिए, किसको बोलते हैं प्रोटेक्टेड एम्प्लॉय, देखिए ईएसआई एक्ट में भी ये हमने पढ़ा था कि अगर कोई सिकनेस बेनिफिट के दौरान है तो भी जो है वो हम उसको जो है वो निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन जो वर्ड हमने यूज किया था प्रोटेक्टेड इंप्लॉय, वो वर्ड में हमने 2 लोगों को एक साथ जिक्र किया था, एक जो ईएसआई एक्ट के तहत सिकनेस बेनिफिट ले रहे हैं और वो जो ईएसआई एक्ट या मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट के तहत मेटर्निटी बेनिफिट में है, ये दोनों कहलाते हैं कौन से इंप्लॉय, प्रोटेक्टेड इंप्लॉय। और प्रोटेक्टेड इंप्लॉय को आप किसी भी शर्त पे ना नौकरी से निकाल सकते हैं, ना उनके वेजेस को कम कर सकते हैं, और ना ही उनके किसी भी बेनिफिट को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस। और आपको याद होगा कि हमने सिकनेस बेनिफिट के केस में देखा भी था कि पहले 91 डेज के लिए 70% वेजेज मिलता है, तो ठीक है उनको काम से नहीं निकालेंगे, उनका वेजेस 10,000 था तो 7,000 देंगे, हम उनके वेजेस को ही 5,000 कर देते कि जा तुझे 3,500 रुपए ही मिलेंगे, पॉसिबल, मतलब इंप्लॉयर तो ऐसा कर सकता है। एक्ट ने बोल दिया खबरदार उसके वेजेस को इस दौरान आपको क्या करना है, कोई छेड़छाड़ नहीं करना। अच्छा इस दौरान अगर वो वेजेस को बढ़ाना चाहे तो
मोस्ट वेलकम, बढ़ा दीजिए, अच्छा है, वो घर पे रहेगा और उसको क्या मिलेगा। देखिए जो फायदा हो रहा है इंप्लॉय को उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। आइए, नो डिडक्शन ऑफ वेजेस, क्या वेजेस डिडक्ट कर सकते हैं? देखिए, द नेचर ऑफ वर्क असाइन टू हर, इंस ग्राउंड पे भी नहीं, और ब्रेक फॉर नर्सिंग द चाइल्ड। मतलब ये कि लॉ ने बोला हुआ है कि जब प्रेगनेंसी के बाद यानी बच्चे के बर्थ के बाद जब वो काम पे लौटेंगे तो उसमें उन्होंने बताया है कि किस किस तरह के काम जो है वो वुमेन इंप्लॉय से नहीं कराया जाएगा। इसका उन्होंने जो है वो लिस्ट दिया है कि उस केस में या जिस दौरान जो है वो प्रेगनेंसी में होंगे उस दौरान भी उनसे इस तरह का काम नहीं कराया जाएगा। तो अगर आपने इस ग्राउंड पे उनके वेजेस कम कर दिए कि देखो भाई राम दुलारी, हम तो तुमसे ये काम अब करवा ही नहीं रहे हैं, तो इसीलिए हम वेजेस क्या देंगे, कम देंगे, बोला गया ये अलाउड नहीं है। या जब वो काम करके लौटते तो बोला जाता है देखो सबको तो बाकी ब्रेक मिलता है, तुम्हारा तो ऐसे ही डेढ़ घंटे का एक्स्ट्रा ब्रेक हम दे रहे हैं, 45-45 मिनट का क्या दे रहे हैं, दो ब्रेक दे रहे हैं, तो डेढ़ घंटे तो कम ही काम करती हो ना, बाकी लोग 8-8 घंटे काम करते हैं, तुम्हारा काम जो है सिर्फ 6 घंटे का है, तो तुम कितने के अकॉर्डिंग पैसे लो? तो बोला गया इना चल बे, और आपको कितना देना पड़ेगा, पूरा का पूरा पैसा देना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग ब्रेक उनको मिल रहा है या उनको कुछ काम कम कराए जा रहे हैं, रेस्ट्रिक्टेड वर्क वो कर रहे हैं, तो उस कारण से आप उनके वेजेस को डिडक्ट नहीं कर सकते। बच्चे बहुत तरह का वर्क होता है कि जो प्रेगनेंसी के दौरान कोई हैवी सामान नहीं उठाना, जो नॉर्मल कस्टम है उसी तरह का। अब राम दुलारी काम कर रही है तो देखिए राम दुलारी तो वजन उठाने वाला भी काम कर, जैसे रामदीन, आप याद कीजिए बाकी चीजों को छोड़े, कंस्ट्रक्शन साइट पे आपने वुमेन को काम करते हुए देखा है? जस्ट इमेजिन कि अगर कोई प्रेग्नेंट होगी तो उस दौरान जो घर में मां लोग हम लोग को बताते उस तक कौन से काम वो नहीं कर पाती होगी, तो मुझे जहां तक लगता है बैठना या उठ करके जो है वो भारी सामान लेकर के क्या करना, उठना, तो शायद ये सब काम क्या रहता है उस समय, प्रोहिबिटेड रहता है, तो ये सारे काम जो है वो नहीं करेगी। आइए, नो डिडक्शन ऑफ वेजेस, पेनल्टीज, पेनल्टी कब इंपोज किया जाता है, जब कॉन्ट्रावेंशन होगा। तो इस एक्ट में कॉन्ट्रावेंशन क्या क्या हो सकता है आप जान रहे हैं, उनको दो ब्रेक ना मिले पॉसिबल, और ब्रेक के कारण वेजेस क्या मिल रहे हो, कम मिल रहे हैं, 26 सप्ताह की छुट्टी देनी थी, या मिसकैरेज के बाद 6 मंथ का देना था, 6 सप्ताह का देना था, या फिर जो है वो अगर एक्स्ट्रा जो है वो कुछ कॉम्प्लिकेशन आ गया तो 1 मंथ का, कह रहे हैं कि ऐसी चीज देना था और उनको प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। तो कह रहे इफ, हाँ 1000 वाला भी, इफ एनी इंप्लायर फेल्स टू पे एनी अमाउंट ऑफ मेटर्निटी बेनिफिट टू द वुमेन और डिस्चार्ज और डिसमिस द वुमेन ड्यूरिंग हर एब्सेंस, ही शैल बी पनिशेबल विथ। अब जरा देखिए मिनिमम कितना है, 3 मंथ्स का क्या इंप्रीजमेंट, तो 3 मंथ्स का इंप्रीजमेंट मिनिमम या मैक्सिमम, और मैक्सिमम देखिए मैंने बोला था सारे लॉ में मिनिमम इंप्रीजमेंट नहीं लिखा रहता है, लेकिन ये मिनिमम इसीलिए लिखा गया क्योंकि हमारी और आपकी फितरत ही ऐसी है, अगर लॉ स्ट्रिक्ट ना हो ना तो आप जो है वो उसको फॉलो ही नहीं करेंगे। जैसे देखिए अभी कैसे जो है वो निकिता, रिया, ये सब जो वायदा बॉयज हैव ऑल द फन, बिना हेलमेट के क्या करते हैं, ढोर से निकल जाते हैं, लेकिन जिस दिन यकीन मानिए 1000 रुपए का इनका चालान कट गया ना, और आप देखिएगा मैं तो पक्का जो है, कुछ लोग मुझे पहचानते हैं, मैं छोटा आदमी हूं, पहचान मेरी है अच्छी खासी, अगले दिन आप निकलेंगे और आपको यहां पे ट्रैफिक वाला दिखेगा और सिर्फ आपके लिए ही वो रहेगा, और आपका वो क्या करेगा, चालान जो है वो नहीं कटता है आपका चालान, अगर 1 सप्ताह में मैंने 5 बार नहीं कटवाया तो आप मुझे बताइएगा, और वो 1000 आपको पता है, और अगर सेम डे वो चालान कट गया तो 1 पंच लग जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस में, और 3 पंच अगर लग गए तब तो अरेस्ट हो जाएंगे, तब तो आपका चलान 1000 रुपए का थोड़ा होगा, 1000 रुपए का तो चलाने हेलमेट नहीं पहन के चलाने का और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के चलाने का जेल तक का प्रोविजन है। माय गॉड, आपका लाइफ तो कितना है, 5000। अच्छा, और यही अगर कोई बात, पहले निपट लीजिए फिर बात आगे करते हैं। तो अब यहां पे कह रहे हैं कि अगर आप लॉ को क्या करते हैं, स्ट्रिक्ट बनाते हैं, पहले जैसे मैं आपको कहता था 100 रुपए हुआ करता था रेड लाइट जंप करने का, मस्त सब लोग यहां पे 100 रुपया रखते थे, डर डर,
और ट्रैफिक वाले मामू बोल रहे हैं ब्रर, 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 निकल गया, अगले वहां पे गया तो पकड़ा गया, पकड़ तो लगा ही, लेकिन क्या होगा, ये लीजिए 100 रुपए ऐसे निकाल के दिया, उसने भी चालान काटा और उसको चाचा नेहरू की तरह यहां पे गुलाब फूल की तरह लगा लिया, क्योंकि 24 घंटे तक दोबारा ये चालान नहीं कट सकता, ऐसा पहले रूल था। अब बोला कि एक दिन में 500 बार आपके सेम चीज के लिए चालान कट सकते हैं, अगर आप चीजों को क्या करते हैं, सेम चीज को भी कॉन्ट्रावेन करते हैं तो उससे थोड़ा आप देखिएगा सेंस आया है, थोड़ा कम लो, खासतौर पर जब दिख रहा होता है तब तो भागने की जरूरत, और जहां कैमरा लगा होता वहां भी नहीं, क्योंकि कैमरा वाला सबसे अच्छा ऑटोमेटिक चालान कट जाता है, बहुत जगहों पे एआई लगा दिया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा वही यही बोलेंगे, इसी इधर लॉ बना हुआ इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, मैं तो बोलता हूं उल्टा बनेगा, इक्वल एप्लीकेशन ऑफ लॉ फॉर मेल एंड फीमेल, ऐसा कुछ कानून लाना पड़ेगा। फिलहाल यहां देख लेते हैं कितने दिन का मिनिमम इंप्रिजमेंट। अब मुझे यही चीज देखिए यहां, ये तो डायलॉग वाली बात याद आ गई, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, यानी कि इनको भी कहते हैं पैसे से रतन टाटा कुमार मंगलम बिरला को कोई फर्क पड़ेगा, ये देखिए ना फाइन भी तो है, मिनिमम कितना मैक्सिमम, ये 5000 क्या हुआ मुकेश अंबानी के लिए, इतना का तो शायद जो है वो जहां वो पैर रखती है उनकी मिसेज, वो कारपेट का पोर्शन भी उससे क्या रहता है, महंगा रहता है, लेकिन अगर एक दिन के लिए भी उनको फ्री लंच, फ्री डिनर, फ्री अकोमोडेशन मिल गया तो ये बहुत खास होगा, इसीलिए ये प्रोविजन रखा गया है। इफ एनी एम्प्लॉयर कॉन्ट्रावेंट द प्रोविजन ऑफ द एक्ट फॉर विच नो मिनिमम नो पेनल्टीज मेंशन पॉसिबल, जितना समझ में आया वो तो उन्होंने बता दिया एक्ट में, लेकिन कह रहे हैं कि अगर कोई और खास तरह का कॉन्ट्रावेंशन कर लिया, कह रहे हैं तो वैसे केस में बोला कि उस केस में कितना तक का इंप्रिजमेंट, 1 ईयर तक का इंप्रिजमेंट, फाइन या दोनों हो सकता है। द कोर्ट में फॉर सफिशियंट रीजन इंपोज अ सेंटेंस ऑफ इंप्रिजमेंट फॉर अ लेसर टर्म और फाइन ओनली इन लीव ऑफ व्हाट इंप्रिजमेंट, मतलब इंप्रिजमेंट के बदले में अगर वो कह देते हैं कि नहीं गलती हुई है, नहीं हो, अब मान लीजिए रतन टाटा कुमार मंगलम बिरला जैसे लोग ये कहते कि नहीं हमसे ये सीवियर जो है वो मिसकंडक्ट हुआ, हमारा बिल्कुल इरादा नहीं था ऐसे करने का, लेकिन कहीं ना कहीं किसी सुपरवाइजर से चूक हुई जो उनके इमीडिएट बॉस थे, उनकी गलती है, हम इस चीज को ठीक करने को तैयार है, हम हाई कंपनसेशन देने को क्या है तैयार है, तो वैसे केस में उनके इंप्रिजमेंट को टर्मिनेट किया जा सकता है, फाइन ज्यादा। देखिए हमारा काम लॉ बना करके किसी को डराना नहीं है बल्कि चीजों को इंप्लीमेंट करना है, तो यहां पे जो है वो ये सारे पेनल्टीज। अब आप फटाक से आइए अपने क्वेश्चंस पे, कितने क्वेश्चन हैं, 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 1 1। चलिए इस बार बीच बीच से पूछते हैं किसी से क्योंकि क्वेश्चन कम है। विपुल क्वेश्चन नंबर 1 ए, चलिए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 मिश्रा बंधु में से एक, नाम भूलता हूं, एक का नाम साक्षी, साक्षी का डी, डी या बी, बी, बी इज करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 अर्चना या अर्पना, ओ सॉरी अर्पिता, क्वेश्चन नंबर 3 डी सही है आंसर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 प्रेरणा, कौन सा डी दिल्ली भी है वही है, जाकी रे भावना जैसी ताको मिले प्रभु की। चलिए सही जवाब है कौन,
अच्छा अब पूछ सकते जितना पूछना, किस क्वेश्चन में है? एनी वर्क विच इज ऑफ एन हजार्डस नेचर है, इसी को बोलते हैं आपका हजार्डस नेचर। चलिए फाइव, नमन मस्त है, खोए हुए हैं सब। फाइव का बी सही है, आसान क्वेश्चन है। चलिए हाँ कहां पे वो ज्यादा अच्छा वही बतला देंगे। इसमें सिक्स वीक्स और बाकी की कहां से बात आ गई, किस क्वेश्चन की बात कर रहे थे जो हम लोग अभी तो हम फाइव में पहुंचने दीजिए सिक्स पे। चलिए तो सिक्स आप ही बतलाइए फिर तसल्ली से। अब पढ़ लेते हैं अगर है ऐसा तो क्या दिक्कत है। द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एनी वुमेन शैल बी एंटाइटल्ड टू मैटरनिटी बेनिफिट शैल बी डैश ऑफ विच सिक्स वीक्स शुड बी रिलेटेड टू डेट ऑफ एक्सपेक्टेड। ठीक है यहां पे आपका बिल्कुल सही है, एक ऑप्शन इसमें क्या होना चाहिए और ये जो है वो क्या होना चाहिए, एट वीक्स। ठीक है आपने इसको, अगर कोई भी जो है वो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम क्वेश्चन से एलिमिनेट करते हैं यानी कि 15 की जगह मार्किंग कितने पे होगी। और अगर किसी बच्चे ने 26 वीक्स लिख दिया है कि ऑप्शन नहीं है अवेलेबल एंड करेक्ट आंसर इज 26 वीक्स तो उसको एक नंबर मिलेंगे। क्यों गलत बात है? एक मिनट मुक्का ना मारूं जो गलत बात बोल रहा है। क्या मैंने ये बात बोला नहीं था? एक मिनट, क्या ये बात मैंने नहीं बोला था कि अगर आपको लगता है कि किसी भी जगह पे कहीं पे भी ऑप्शन गलत है या कुछ एरर है तो अगर आप उसको फाइंड आउट कर देते हैं तो इसका मतलब आपको क्या मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे। तो आप अगर लिख देते हैं नो ऑप्शन और क्या लिख देते हैं आंसर 26 वीक्स तो आपको मार्क्स मिलेंगे। हाँ नहीं वहां ऐसा होगा ही नहीं, अभी तो खेलने खिला। आ जाए आप सेवन पे। चलिए सेवंथ क्वेश्चन बताइए प्रिया, सेवन का डी चलिए सही है। एट क्वेश्चन सचिन, एट का जिनका कहना एट है हाथ उठाइए। एट का क्या बोला? चलिए जिनका कहना डी है वो हाथ उठाइए। सी बी ए आंसर इज सी, नोट कर लीजिए आगे बढ़िए। चलिए नाइन मुस्कान, बहुत मुस्कान है, उत्पटांग क्वेश्चन पूछते हैं आप ही से। नाइन हाँ नाइन का आंसर डी है, करेक्ट कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। टेन बाबा जी, टेन का बी सही, करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर इनकरेक्ट है? ठीक है। इलेवन निहारिका, सी चलिए करेक्ट है। ट्वेल्व मानसी, ट्वेल्थ का सी बिल्कुल सही है।
एक मिनट, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स रिलेशन टू एन एस्टेब्लिशमेंट बीइंग माइन और एन एस्टेब्लिशमेंट वेयर पर्सन आर एम्प्लॉयड फॉर एग्जीबिशन ऑफ इक्वेस्ट्रियन एक्रोबेटिक एंड अदर परफॉर्मेंस द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इन रिलेशन टू एनी, ठीक है, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद क्या आएगा, सब स्टेट गवर्नमेंट है, क्या लिखा है, क्यों लिखेगा, तो उसका क्रॉस कर दीजिए, जिसमें क्लैरिटी है उसमें क्यों दिक्कत, अगर सही में ए और सी होता तो मार्क्स मिलता, यहां पर तो साफ है वहां सेंट्रल गवर्नमेंट है ना माइनिंग के केस में। चलिए 13 पारस, चलिए सही है, 14 न्यू अंकित, एक ओल्ड भी है, हाँ 14 का सी सेक्शन थे सही है। चलिए 15 रोहित, 15 का सी राजेश, अच्छा इसी क्वेश्चन को सबसे पूछ देंगे जब तक सही पे नहीं पहुंचते हैं। बताइए सांभवी, श्रेयांगी, अब लोग बदलने लगे, भूमिका, अंकित, विराट, मनीष, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब सारे क्वेश्चन हो गए, तो अब हमारा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट खत्म, और अगले किसी और एक्ट पे हम लोग करेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तो फिलहाल SBIOL की सेवा समाप्त, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।